जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है सर्वेश तिवारी जी ने, शिवम यादव जी ने जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, मनोज जी जो अमेठी से बिलोंग करते हैं, प्रवीण चौहान जी, दीपक रावत जी, सानिया राशिद जी, अखिलेश चौहान जी ने और प्रद्युम्न कुमार जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अब एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है। मीन्स जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके पीछे धुंधला क्या दिखाई देता है, पृष्ठभूमि, छवि, वाटरमार्क या अग्रभूमि। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं और किसी किसी में तो पूरा हिंदी में ही मिल रहा है ना। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें हिंदी नहीं सपोर्ट की थी, तो वो प्रॉब्लम लगभग अभी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, नायलट से जैसे की बात हुई तो लगभग अभी सॉल्व हो चुका है वो प्रॉब्लम। तो यहां पर दस्तावेज पाठ के पीछे जो धुंधला भाग दिखाई देता है, जैसे यहां पर देखिए आपको ये सर्किल दिखाई दे रहा है और यहां पर ए दिखाई दे रहा है और ई दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, वाटर मार्क है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन थर्ड, वाटर मार्क। इन सभी क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MMID में कितने अंक होते हैं। MMID काफी इंपॉर्टेंट है, कितने अंक होते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, 7 डिजिट होते हैं। ठीक है, MMID में 7 डिजिट होते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फॉर्मूला इक्वल DIV B2:B3 का परिणाम क्या होगा यदि B1:1, B2:3 एंड B3:6। बताइए क्या होगा इसका मान। तो दोस्तों, कैल्क में पहली बात तो DIV के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि इसका मान क्या होगा। DIV नेम का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप इसका उपयोग करेंगे तो आपका एरर आएगा। कैल्क से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि कैल्क से पूछा जा रहा है कि कैल्क की फॉन्ट साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, कैल्क में जूम साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक मैराथन क्लास करवाई थी जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस बताए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर कैल्क ओपन हो रहा है, कई सारी फाइल्स ओपन है, तो यहाँ पर इन सभी की रिकवरी होती है। रिकवरी होने के बाद ही यहाँ पर आपके फंक्शंस ओपन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर B2, B3 और इनका मान लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने 2, 4, 5 ऐसे ही मान लेते हैं और फंक्शन लगाते हैं इक्वल DIV, ब्रैकेट लगाते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका एरर ये आ गया है। ठीक है, समझ गए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4, हैज नेम। ओके, अब नेक्स्ट, RSS का पूर्ण रूप क्या है बताइए। RSS, तो RSS का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सेंडिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। अब नेक्स्ट, टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए नहीं किया जा सकता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या होती है, यह नेटवर्क का एक भौगोलिक संरचना है ना। मीन्स कौन सा कंप्यूटर किस क्रम में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, उनकी आकृति में वह डिसाइड करता है टोपोलॉजी। ठीक है,
तो यहां पर कहा जा रहा है कि टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, ईमेल के जनक कौन है बताइए, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट हो रहा है। रे टॉमलिंसन, पॉल बुचित, सबीर भाटिया या फिर नोटा। तो ईमेल के जनक है रे टॉमलिंसन, ठीक है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है, लिनक्स में जो भी कमांड्स हैं उन सभी की एक आईडी होती है, तो INIT जो है आपका init, इस प्रक्रिया की जो आईडी है उसका राइट आंसर होगा 1। क्या होगा राइट आंसर, 1। ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्जाम में। अब नेक्स्ट, alt प्लस s से स्टार्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया था, alt प्लस s से स्टार्ट होता है। तो alt प्लस s आप चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखें, राइटर में देखें, इंप्रेस में देखें या नॉर्मल देखें, कहीं पर भी स्टार्ट का वर्क नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्विटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जैसे ट्विटर किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का, है ना। और यहां पर पूछा गया है ट्रेंडिंग का सिंबल, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन थर्ड हैश। हैशटैग का उपयोग करते हैं हम ट्रेंडिंग सिंबल के लिए। एक क्वेश्चन हैशटैग से संबंधित आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि ट्विटर के एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, आप एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, बाइनरी अंक क्या होते हैं, 2, 0 और 1 होते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है, इनइक्विवेलेंट ऑपरेटर कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये आपके जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये आपके कैल्क में किसका काम करते हैं, असमांतर ऑपरेटर का काम करते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है। अब नेक्स्ट, भारत का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है बताइए। आप सब लोग भी वेब ब्राउजर्स का उपयोग करते हैं, सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, सॉरी यहां पर सर्च इंजन नहीं होना चाहिए, यहां पर वेब ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके क्या हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट क्रोम, ठीक है। क्रोम क्या है आपका, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला वेब ब्राउजर है, लगभग 83% लोग गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं इंडिया में, ठीक है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का क्या लाभ है, ऑनलाइन प्रणाली का क्या लाभ होता है, मीन्स जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस ऑनलाइन पेमेंट का क्या फायदा है। ऑनलाइन पेमेंट कई तरीके से होती हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भीम के द्वारा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपके जरिए हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो इन सभी का ये सभी फायदा है, सिक्योर भी है, सुविधाजनक भी है, समय भी बचाते हैं। तो अर्थात राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। पहले क्या है, किसी चीज का पेमेंट करना होता था तो हम कैश में उसे पेमेंट देते थे, फिर वह हमें रिटर्न करता था, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, ऑनलाइन में जितने रुपए करने हैं उतने रुपए उतने पैसे आप पेमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन काफी सा लॉन्ग है, काफी लंबा क्वेश्चन दिया गया है, जिसको स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, और ये कमेंट्स आते हैं कि सर एग्जाम में पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने का काम करिए। केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, मीन्स कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हैं उसके लिए क्या होता है, हमें स्टेप टू स्टेप काम करना होता है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में समझें,
अगर आप एक दिनचर्या बना के चलें कि हमें इस समय से इस समय तक ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो क्या है, आप रूल के अकॉर्डिंग सही से काम कर पाओगे। वैसे ही कंप्यूटर में जब आपको कोई भी मॉडल बनाना हो, कोई भी वर्क करना हो, कोई भी प्रोग्राम तैयार करना हो, तो उसके लिए क्या है, हम पहले उसकी एल्गोरिथम तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एल्गोरिथम तैयार करते हैं, मीन्स स्टेप टू स्टेप हम डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्गोरिथम। क्या होगा, एल्गोरिथम, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके देखा जा सकता है? बताइए, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके हम देख सकते हैं? तो यहां पर देखिए, कैल्क आपका ओपन है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहां पर देखिए, प्रिंट प्रीव्यू आपका आ गया है। यहां पर देखिए, आपका स्केलिंग फैक्टर का ऑप्शन दिया गया है ना, और यहां पर आप देखिए तो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। तो यही वहां पर पूछा गया है, क्या हम जूम करके देख सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, जूम इन पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा जूम होता जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, वहां पर हम जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, GUG का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, GUG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राउंड अप ग्राफिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा रहा है, GUG का फुल फॉर्म तो ग्राउंड अप ग्राफिक्स होता है। अब नेक्स्ट, QR कोड 2D बार कोड होते हैं, ट्रू या फॉल्स? QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। और QR कोड की खासियत होती है कि वह दो डायमेंशनल बार कोड होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, कैन वी चेक रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट इन कैल्क? क्या कैल्क में हम जो हाल ही में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं या ओपन की गई स्प्रेडशीट्स हैं उनको देख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर देखिए, कैल्क आपका ओपन है, जूम कर लेते हैं। यहां पर जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो फाइल मेनू पर क्लिक करने पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ओपन का, और यहां पर रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर देखिए, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए हैं, रिपोर्ट नंबर्स हैं, है ना, डिजिटल इंडिया का है या हाई स्कूल की मार्कशीट्स हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर ओपन की गई हैं, तो ये आप रीसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हैं, और जिसे आप ओपन करना चाहें ये यहां पर आप ओपन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कैल्क ही नहीं, आप राइटर में भी चाहें तो रिसेंट के डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, या इंप्रेस में चाहें तो जो भी लास्ट टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने ओपन किया था उनको आप फिर से यहीं से प्राप्त कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इनमें से राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा है? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको मैं बताता हूं, राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है। तो यहां पर देखिए, अभी हमारे सामने क्या ओपन है, कैल्क, राइटर ओपन करना है, ये हमारा राइटर ओपन हो गया है, और फॉन्ट स्टाइल हमारी जो है वो ये यहां प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, फॉन्ट नेम, तो फॉन्ट स्टाइल कौन सी है आपकी, ये हो गई। ठीक है, ये आपका फॉन्ट नेम है। ठीक है, पैराग्राफ की स्टाइल आपकी डिफॉल्ट स्टाइल लगी रहती है, और फॉन्ट नेम जो है आपका यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है वो फॉन्ट नेम ही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो लिखी है तो फॉन्ट नेम ही यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब कैल्क ओपन करते हैं, तो कैल्क में भी आप देखें तो आपकी जो डिफॉल्ट है वो यही होती है। ठीक है, अब इंप्रेस देख लेते हैं, तो इंप्रेस भी हमारे सामने यहां पर ओपन है, और इंप्रेस जब हम ओपन करेंगे तो यहां पर हमारी डिफॉल्ट में भी कौन सी होती है, वही होती है, मींस राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों की डिफॉल्ट फॉन्ट नेम जो है आपका यही होता है, लिबरेशन सेंस। ओके, अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रिंट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन नहीं है, मींस जब आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन करें और यहां पर कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो हमको मिल जाता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स।
अब ये प्रिंटर से संबंधित ऑप्शंस आपको दिखाई देता है, जैसे रेंज एंड कॉपीज का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, नंबर ऑफ कॉपीज का मिल रहा है, पेपर साइज का मिल रहा है, पेजेस पर सीट्स का मिल रहा है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ऑप्शन में आप देखिए, कॉपी का मतलब वही आपका कॉपीज से हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन वहां पर दिया गया है कि कितनी कॉपी आपको चाहिए, पेपर साइज का ऑप्शन भी दिया गया है, पेज नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सेव का ऑप्शन वहां पर आपको नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, हेल्प की शॉर्टकट की बताइए, हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, F1, F2, F5 या F7? तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, या इंप्रेस हो, या अदर कोई प्रोग्राम हो, लगभग हर एक प्रोग्राम में हेल्प की शॉर्टकट की होती है, और कौन सी होती है, F1 होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा F1। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्त डी और के जीमेल पर एक ही एड्रेस पर आईडी बना सकते हैं, बताइए। कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का प्रारूप ऐसे दिया गया है कि क्या दो दोस्त हैं डी और के, है ना, ये दो दोस्त हैं, दोनों की जीमेल पर एक ही एड्रेस पर, मींस दोनों की जीमेल आईडी सेम हो, तो क्या दोनों की आईडी बन सकती है? तो ये बिल्कुल आपका फाल्स है, क्योंकि दो लोगों की ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से दो लोगों का बैंक अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही जीमेल अकाउंट भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर होगा इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, है ना। तो इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर ही मेल बॉक्स आपका बना हुआ है। अगर ये पूछता कि मेल के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तब हमारा बॉडी और सब्जेक्ट होता मेल के दो भाग, लेकिन यहां पर पूछा गया मेल बॉक्स, है ना, तो बॉक्स की वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। अगर पूछता मेल के दो हिस्से कौन कौन से हैं, तब आपका बॉडी एंड सब्जेक्ट आपका हो जाता, ठीक है। हेडर आपका मेन भाग नहीं होता है, सीसी और बीसीसी तो आपका अलग है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, फाइल की अनुमति 764 का क्या अर्थ है, यह क्वेश्चन भी आपका लाइनक्स से संबंधित है। तो वहां पर जो भी है अनुमति लेनी होती है, अगर अनुमति 764 आपको दी गई है, तो इसका क्या मतलब है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं, हर एक पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पासित कर सकता है, और मालिक पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है, हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, अकेले मालिक निष्पासित कर सकता है। नेक्स्ट आपका, हर कोई पढ़ और लिख सकता है, लेकिन अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है, हर एक पढ़ लिख सकता है और अमल कर सकता है, बताइए। तो लिनक्स में फाइल की अनुमति अगर आपको 764 कमांड मिलती है, तो इसका मतलब है कि उस कमांड के द्वारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसे हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है, मीन्स पढ़ने के लिए कोई भी इसको पढ़ सकता है। मालिक सहित समूह लिख सकता है, मीन्स जो भी एडमिन का ग्रुप बनाया गया है, मीन्स जो भी ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उसमें एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, समझिएगा, पढ़ने का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, एडिटिंग का जो काम है वह मालिक भी कर सकता है, और उसके समूह के जो सदस्य हैं वह भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने का काम है ना, एग्जीक्यूटिंग का जो काम है वह केवल और केवल मालिक कर सकता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, हर कोई पढ़ सकता है, मालिक सहित पूरा समूह उसमें एडिट कर सकता है, और सिर्फ जो आपका एडमिन है, जो मालिक है, वह उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसको देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, UPI से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स। एक चीज काफी ज्यादा कमेंट्स में मिल रही है कि सर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आए थे, या इसमें से एक भी क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में नहीं आए थे। तो एक चीज मैं आपको लगातार बताता हूं कि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक ही एग्जाम सेंटर में अगल बगल बैठे हुए दो बच्चों के क्वेश्चंस भी पूरी तरह से अलग रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी CCC के एग्जाम्स होते हैं,
वहां पर मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि सभी के क्वेश्चंस अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस की सीरीज अलग होती है, सारे क्वेश्चंस ही आपको अलग देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस सेम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि यूपीआई से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉल्स होगा, क्योंकि यूपीआई आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आप सभी काफ़ी कंजूसी कर जाते हैं, और वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका एग्जाम कैसा हुआ ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है, मॉर्निंग में 7:30 AM की क्लास है, उसे जरूर अटेंड करिएगा। और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। सामने आपके कॉन्टैक्ट दिया गया है, यहाँ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।